हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्रकाश क्लासेस। द प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। मेरा नाम है उमेश और मैं आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम इस पार्ट में करेंगे। और पार्ट 1 मैंने इसका अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है इसके पार्ट 1 की, तो आप उस वीडियो को भी जाकर ज़रूर देखें। पार्ट 1 में मैंने आपको क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 कवर करा दिए हैं। तो ये है एक्सरसाइज 12.2 का पार्ट 2, और इस पार्ट 2 में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को पहले समझते हैं क्या इसमें दिया गया है। देखिए, इसमें दिया गया है हमको द लेंथ ऑफ मिनट हैंड। मिनट हैंड का मतलब है जो जैसे कोई घड़ी होती है, ठीक है ना, घड़ी में एक सुई छोटी होती है जो आवर वाली सुई होती है, और एक होती है जो कि बड़ी वाली सुई होती है। जो बड़ी वाली सुई होती है उसे बोला जाता है मिनट हैंड, ठीक है ना। और इसको ये जो आवर वाली होती है, ये वाली जो सुई होती है, ये होती है छोटी, ठीक है। बोला गया था लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। बोला गया है ये कितना है, ये 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। बोला गया है उसके बाद फाइंड द एरिया स्वैप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। बोला गया है ये जो 5 मिनट्स में एरिया कवर करेगी ना, हमें उसका एरिया निकालना है, ठीक है ना, कितनी देर में, 5 मिनट्स में। अब सपोज करो पहले जो है ये मिनट हैंड जो थी इस 12 पे थी, ठीक है। तो 5 मिनट के बाद फिर ये मूव होकर कहाँ पर आ जाएगी, 1 पर। कहाँ पर आ जाएगी, 1 पर। और देखिए, पूरा जो सर्कल होता है, जब ये पूरी यहाँ से घूमकर यहाँ तक आ जाएगी तो कितना कवर करेगी, 360 डिग्री कवर करेगी। लेकिन अभी इसने कितना कवर करा है, कितना कवर करा है इसने, इसने कवर करा है 5 मिनट, ठीक है ना। तो देखिए, जब ये पूरा 60 मिनट घूमकर आएगी तो 1 मिनट में कितना कवर करेगी, इसको डिवाइड कर देंगे हम 60 से, तो 1 मिनट में कितना कवर करेगी, 6 डिग्री। लेकिन अब ये कितना मूव करी है, अब ये मूव करी है 5 मिनट। तो जब 1 मिनट में 6 डिग्री का एरिया कवर कर रही है, तो 5 मिनट में कितने डिग्री का एरिया कवर करेगी, 30 डिग्री, ठीक है ना। ये थी इसमें समझने वाली बात। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये जो पूरा सर्कल होता है ये कितने डिग्री का होता है, यानी ये जो मिनट हैंड है 12 से शुरू होकर 12 पर आएगी पूरी घूम के, तो कितने डिग्री मूव करेगी, 360 डिग्री, ठीक है ना। और कितनी मिनट में मूव करेगी, 60 मिनट में। तो 0 से कटे 0, 6 से कटा 36, कितनी बार कटेगा, 6 बार। तो कहने का मतलब जब इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो 1 मिनट की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ जाएगी। लेकिन हमें कितने मिनट की चाहिए, 5 मिनट की। तो 5 मिनट में कितना डिग्री मूव करेगी, 30 डिग्री मूव करेगी। तो ये थी इसके अंदर समझने वाली बात, उम्मीद है आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अब देखिए, चलते हैं इसमें आगे। देखिए आगे इसमें और क्या बातें बोली हुई हैं। देखिए, बोला गया है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में जो एरिया कवर करा है इसने, वो एरिया हमको निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखो, वी नोट दैट इन 1 आवर 60 मिनट, मतलब हमें पता है जो 1 घंटा होता है उसमें कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है। द मिनट हैंड रोटेट 360 डिग्री, और ये कितने डिग्री मूव करती है, 360 डिग्री मूव करती है। तो 360 डिग्री मूव करती है कितने में, 60 मिनट में। तो क्या करेंगे, 60 से करेंगे डिवाइड, और हमें कितने मिनट का चाहिए, 5 मिनट का चाहिए, 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये कैलकुलेट कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं आगे। देयर फोर द एरिया स्वेप्ट बाई द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स विल बी द एरिया ऑफ द सेक्टर, यानी कि ये जो, अब देखो यहाँ पे ये जो बना है ये क्या बन गया, ये एक सेक्टर बन गया, ठीक है ना, इस तरीके से देखो यहाँ पर, ठीक है, ये क्या बन गया यहाँ पर, ये एक इसका सेक्टर बन गया। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम जो है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर का स्क्वायर। अब देखो, जो यहाँ पे आर का काम करेगी वो काम करेगी मिनट हैंड, जो मिनट वाली जो सुई थी जो यहाँ से लेके यहाँ तक होती है, ठीक है। तो थीटा हमने कितना कैलकुलेट कर लिया, 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 360, और पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है इसमें 14
और स्क्वायर है तो कितनी बार आ जाएगा, ये दो बार आ जाएगा, ठीक है। तो जीरो से कटी, यहाँ पे जीरो, ठीक है। अब देखो थ्री वन जा थ्री और थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, तो यहाँ से कितना आ गया वन अपॉन ट्वेल्व। सेवन से कितनी बार कटेगा फोर्टीन, टू टाइम्स, ठीक है। और टू से ये जो ट्वेल्व है कितनी बार कटेगा सिक्स टाइम्स, और सिक्स और फोर्टीन को कट करो, टू से कट करो थ्री टाइम्स, ये वाला कितने बार कट होगा सेवन टाइम्स। तो यहाँ पे देखो क्या चीज़ बचेगी फिर, यहाँ पे बचेगा ट्वेंटी टू इंटू में सेवन अपॉन में थ्री, ठीक है ना, या कैसे वन फाइव फोर अपॉन में थ्री हम इसे बोल सकते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर। और एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा, अगर डेटा आपको सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, मीटर में है तो मीटर में, यानी एरिया में हमारा क्या आएगा, एरिया में यूज़ करेंगे स्क्वायर, ठीक है। तो ये हुआ इसका आंसर 154 अपॉन में 3। इस तरीके से इसका आंसर बड़ी आसानी से हमने सोल्व कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, सब्सक्राइब को बटन को ऑन करके आप जो है बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे होगा ये, जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा रहेगा। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बाकी मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जो कि होगा पार्ट 3।